हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और सेफ होंगे। तो आज मैंने पहना ये सूट जो मम्मी के यहाँ से मम्मी ने मुझे दिलवाया था। इसके साथ वाले जो दो सूट थे उनमें छेद है, पता नहीं कैसे क्या है। जब मैं भैया को देने गई, इवन उनको मतलब जब वो खोल के नाप देने जब मैं गई तभी उन्होंने देख लिया था। उसमें दो सूटों में जो पिंक दुपट्टे वाला और जो दूसरा वाला जो मैंने वीडियो भी प्रॉपर बनाया था आप लोगों को दिखाया था, उन दोनों ही सूट में छेद है। एक में तो दो बड़े बड़े छेद है, एक में मतलब नन्हे नन्हे कई सारे छेद हैं। तो फिर वो वापस आ गया है। अब जब मम्मी के यहाँ जाऊंगी तब उसको चेंज करूंगी जाके, और दूसरे लेकर आऊंगी तो वो फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये मैंने आज पहना है, अभी स्टिच होके आया था। और मतलब इसमें ना आज ही मैंने फर्स्ट टाइम पहना है, मार्केट जा रही हूँ, कुछ सामान लाना है, थोड़ा सा काम है। हम मुझे आज मेरा खुद का पर्सनल सामान लाना है, जो जो लाऊंगी वो आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या लिया है। यूजफुल ही है क्योंकि ज़रूरी है मुझे इस समय वो चीज़ें, तो मजबूरी है। कई दिन से सोच रही थी जाने की पर नहीं जा पा रही थी। वापिस आके अभी मुझे बनाने हैं, लौकी का हलवा भी बनाना है क्योंकि मैंने खोया बहुत दिन पहले करके रख लिया था पर हलवा बनाने की नौबत ही नहीं आ रही थी। तो ये लौकी आज ला के दे दिए हैं, तो मैं लौकी का हलवा बनाऊंगी, तो वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो चलिए जल्दी से चलते हैं मार्केट, सारा सामान लेकर आते हैं, फिर यहाँ पर भी आके काम है तो वो भी करते हैं। तो आ चुकी हूँ मैं मार्केट से, और मैंने ना चेंज कर लिया है इसलिए मैं खुद को नहीं दिखा रही हूँ। तो आ चुकी हूँ और मैं क्या क्या लेकर आई हूँ वो शॉपिंग आप लोगों को जल्दी से दिखा दे रही हूँ। ऐसे ही दिखाई दे रही हूँ, पूरा प्रॉपर दिखाऊंगी तो फिर बहुत टाइम लगेगा और फिर वैसे भी ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी क्या बोलते हैं, मुझे लौकी भी घिसनी है, उसका हलवा भी बनाना है, तो वो भी रेसिपी भी सूट करनी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को खोल के दिखा दे रही हूँ मैं क्या लाई हूँ, किस लिए लाई हूँ, क्यों लाई हूँ, सब दिखा देती हूँ अभी। तो ये रही मेरी शॉपिंग, बस इतनी सी है, ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं करी है। ये मैंने लिया है फेस वॉश, इस बार मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। अभी तक मैं हिमालय का जो नीम फेस वॉश आया करता था उसको यूज़ करती थी, बट अभी मैंने ना मुझे हिमालय का नहीं यूज़ करना था। तो फिर जहाँ से मैं लाती हूँ वहाँ भैया ने मुझे ये सजेस्ट किया, बोले आप इसको एक बार यूज करके देखिए, मेरी ऑयली स्किन है उसके अकॉर्डिंग। ये भी नीम का, ये एक्ने एंड पिम्पल केयर का है, तो ये गर्मियों के हिसाब से मैं इसको लेकर आई हूँ। और उसके बाद ये रहा, ये है सिंदूर। मैं हमेशा ना लिक्विड है ये सिंदूर, ड्राई वो वाला वाटरप्रूफ है, मैं हमेशा यही यूज करती हूँ हमेशा। और दोनों की ना कंपनी जो है वो सेम है, जोविस दोनों की सेम कंपनी है, मैं हमेशा यही सिंदूर यूज करती हूँ। तो इस बार भी मैं यही लेकर आई, मेरा ख़त्म हो गया था, मैं रेड कलर यूज करती हूँ, तो ये है रेड सिंदूर। इनको हटाते हैं साइड में, आते हैं अपने इस टॉपिक पे। तो ये है मेरे लोअर घर पे पहनने के लिए, और ये लेकर आई हूँ, मुझे चाहिए थे एक्चुअली। मैं ना कुर्तियाँ काफ़ी सारी हो रखी थी और लोअर मेरे ख़त्म हो रहे थे, तो मैं इस टाइप के लोअर घर में पहनती हूँ, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। सलवार की जगह इन्हीं को पहन लेती हूँ तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो ये मैं लेकर आई हूँ, तो ये अलग अलग प्रिंट में मैं चार लेकर आई हूँ। एक ये वाला है, इसमें बस इस तरह से ये बना हुआ है, और पता नहीं मेरे कैमरे में ना सेम कलर नहीं आता है, ये इस कलर का नहीं है, ये हल्का सा और मतलब थोड़ा सा है ऐसे ही पर थोड़ा सा डिफरेंट है कलर, सेम कलर ये नहीं दिख रहा है। ये पॉकेट वाले हैं बट मुझे पॉकेट की कोई यूज ही नहीं होता है। एक ये है, एक ये है, इसमें ना मिक्की माउस बना है, डोनट बना है, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब डोनट। एक ये है, ये वाला भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, कार्टून वाला मुझे एक्चुअली में पसंद है। मेरा जो नाइट सूट है वो भी इसी कलर का है। तो एक है ये ब्लैक, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, प्रिंट वगैरह इसका अच्छा लगा। तो एक ये है ब्लैक, और ये है नेवी ब्लू, ये देखिए ये ब्लैक नहीं है, ये है नेवी ब्लू। एक ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है ना, बताइएगा आप लोगों को चारों में से कौन सा लोअर ज़्यादा अच्छा लगा। तो बस बेसिकली मैं इसी के लिए गई थी, मुझे बस यही ज़रूरत थी। मेरे देखिए डॉगीज भौंक रहे हैं, बस मुझे ना
इसी की ज़रूरत थी, तो बस मैं ये ले आई हूँ। ये लेने गए थे एक दिन बट ये लेके नहीं आए थे, फिर मैंने कहा नहीं मैं अपने पसंद से लेकर आऊँगी ये वाला। मुझे ना वहाँ पे ऑप्शन और थे बट उन सारे ऑप्शन में मुझे ये ठीक लगा, बट इन तीनों के अकॉर्डिंग ये मुझे कम अच्छा लगा, लेकिन ये इनको अच्छा लगा तो ये इनके कहने पर मैंने ले लिया। तो बस यही थी शॉपिंग, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी पर ये ज़रूरी थी क्योंकि इससे मैं ना जो मेरे जो पैंट्स थे लोअर ये सारे ख़त्म हो गए थे तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस छोटी सी शॉपिंग करके लाई थी, तो यही थी मेरी शॉपिंग। चलिए आप चलते हैं फटाफट से लौकी का हलवा बनाते हैं और बस आप लोगों को रेसिपी दिखाते हैं। तो मैं वीडियो लेना भूल गई थी, मैंने कुछ नहीं सिर्फ लौकी को घिस के और कढ़ाई में घी डाला था, घी डाल के बस लौकी डाल दी है। इसको थोड़ा सा भूनूंगी 10-5 मिनट, ज़्यादा नहीं भूनूंगी, 10-5 मिनट ही भूनूंगी। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी चीनी। तो घी बहुत अच्छे से मैंने डाला था और घी अच्छा लगता भी है। तो ये रखा है मेरा जो मैंने खोया घर पे ही बनाया था, ये खोया देखने में बहुत थोड़ा लग रहा है लेकिन हाँ काफ़ी था खोया, ये आधा किलो से ज़्यादा तो था ही ये खोया। और घर का खोया ना इतना अच्छा होता है, इसमें घी भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये रखी है चीनी, जितनी मुझे डालनी उतनी मैंने निकाल ली है। निकाल ली इलायची, इलायची मैं क्या करूँगी छील के थोड़ी सी चीनी के साथ इसको अच्छे से कूट लूँगी इलायची, तो बहुत अच्छे से बारीक हो जाती हैं। तो देखें यहाँ पर लौकी जो है वो अच्छे से भुन रही है, पानी भी इसने छोड़ दिया, थोड़ी सी कम भी हो गई है। तो अब मैं इसमें जो चीनी मैंने निकाल के रखी हुई है वो डाल दूँगी। पहले मैं ना चीनी धीरे धीरे डाल रही थी, कहीं ज़्यादा ना हो ज़्यादा ना हो, बट नहीं ज़्यादा नहीं थी, एकदम परफेक्ट चीनी थी। तो बस मैंने चीनी डाल दी है, चीनी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और अभी चीनी डालने के बाद चीनी जो है वो काफ़ी सारा पानी छोड़ेगी, फिर इसको पकाना है जब तक कि पूरा पानी इसका सूख ना जाए तब तक इसको पकाना है। तो देखिए चीनी कितना सारा पानी छोड़ रही है, अभी जैसे जैसे चीनी घुली नहीं है जब ये घुलेगी तो ये और ज़्यादा पानी छोड़ेगी। तो ये देखिए चीनी ने कितना सारा पानी छोड़ दिया। अब पूरा ये पानी ना पकने तक मैं इसको अच्छे से पका लूँगी, जब तक पूरा पानी इसका सूख जाएगा, घी घी दिखने लगेगा तब तक। तो ये देखिए कितनी कम हो गई, कितनी ज़्यादा थी, एकदम घी देखिए कितना साइड से निकल गया है। इस बार मेरी जो लौकी का हलवा है इसमें घी बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि जो मावा था वो भी घर का ही था, उसमें ऑलरेडी घी था। और इस बार थोड़ा सा लौकी क्या थी, एकदम ताज़ी छोटी सी, जो छोटी लौकी होती ना उस टाइप की लौकी थी, तो एकदम बिल्कुल कम हो गई है। इतना मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी कम हो जाएगी। और ये कलर बिल्कुल भी वो नहीं है, आपको जैसे कि पता है मेरे कैमरे में बिल्कुल एग्जैक्ट कलर नहीं दिखता है, तो ये एकदम ये इतना काला कलर नहीं था, थोड़ी सी ग्रीन थी। तो बस ये एकदम से पक चुकी है, पूरा देख रहे हैं आप लोग, घी एकदम छोड़ दिया है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी जो खोया मैंने घर पे बनाया था वो, और ये जो खोया था ये बहुत ज़्यादा था, मैंने आधा आधे से आधा ही खोया डाला था। पूरा डालती ना तो फिर लौकी कम और खोया ज़्यादा दिखता, और मुझे ऐसा नहीं पसंद है, मुझे लौकी दिखनी चाहिए, खोया कम हो चल जाएगा लेकिन खोया ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता लौकी के हलवे में। तो मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, इलायची दिखाना मैं भूल गई, इलायची भी मैंने डाली थी, अच्छे से इलायची को मिक्स करके चीनी के साथ कूट लिया था एकदम बारीक बारीक, तो उसमें फिर इलायची भी डाल दी थी। तो मेरे जो लौकी का हलवा है ये बनकर हो चुका है रेडी, ज़्यादा बिल्कुल मेहनत नहीं लगती, बड़ी आसानी से बन जाता है, थोड़ा है तो जल्दी बन गया, अगर ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। मैं कोशिश कर रही थी कहीं से भी कलर दिखाऊँ, ये भी कलर एकदम एग्जैक्ट नहीं आ रहा था। और उसके बाद जो मावा बचा था, जो खोया बचा था, उसका देखिए मैंने क्या किया, ये उसका मैंने बनाया पेड़े। पेड़े ना बिल्कुल भी फोकस नहीं हो रहे थे तो मैं बड़ी कोशिश कर रही थी कैसे भी करके आप लोगों को दिखाऊं। मैंने फ़र्स्ट टाइम मतलब पेड़े मैं कई बार बना चुकी बट मुझसे बनते नहीं, ऐसे ऐसे गीले गीले ही रह जाते हैं। इस बार मैंने ट्राई तो किया है, जो जगह छूट रही है ना, 3 पेड़े ये खा गए, इनको इतना अच्छे लगे थे तो पेड़े मेरे अच्छे बन गए हैं। फिर मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी दूंगी। ये हो चुका है नेक्स्ट डे, आज एसी की सर्विसिंग करने के लिए भैया लोग आए थे तो वो मैं दिखा रही थी। पहले होता क्या था, भैया लोग आते थे तो ये ब्रश से साफ़ करते थे, अब इतनी सारी मशीनें चल गई हैं ना कि बड़ा आसानी से ही सर्विसिंग हो जाती है, बड़ी आसानी से पूरी एसी साफ़ हो जाती है, पूरी खोल के वो लोग साफ़ कर रहे हैं। एक लोग साफ़ करते जा रहे थे, एक लोग सब कुछ पोंछते जा रहे थे। तो बस मैं आप लोगों को दिखा रही थी, तो ये था छोटा मोटा सा क्लिप्स जो मैंने रिकॉर्ड की थी। तो फाइनली एसी की सर्विसिंग हो गई है, मैंने अभी चलाई है, बंद कर दूंगी, वो करके गए हैं भैया लोग, तो वो थोड़ी देर के लिए ट्रायल के लिए चल रही थी इसलिए वो चल रही है, अभी बंद कर दूंगी। तो ट्रायल के लिए चल रही थी, अभी मैं बंद कर दूंगी। तो हो गया सब कुछ, वीडियो कई 2 दिन चला, कल शाम को मैं मार्केट से आई, उसके बाद फिर मैंने लौकी का हलवा बनाया, उसको मैंने नेक्स्ट डे के लिए कर दिया था। तो भैया लोग, एसी वाले भैया लोग आज आए थे, वो लोग करके चले गए हैं, और छोटी छोटी सी जो भी क्लिप्स हैं वो भी ली हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है
ये एक वीडियो मेरा खत्म नहीं हो पाया और बच्चों ने दूसरा वीडियो स्टार्ट कर दिया। ये लोग ये स्पेशली कुछ ना कुछ कहाँ गया, ये कुछ ना एक्सपेरिमेंट करता रहता है। तो इसने ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट किया सैंडविच का, जो कि एक्सपेरिमेंट था, ऐसी मैंने कभी नहीं देखी। वो इतनी टेस्टी बन गई है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बन गई। और देखिए वो जो मैं पैंट लेकर आई हूँ, मैंने एक पैंट पहना है, बड़ा कंफर्टेबल पैंट, बस चीज की कमी थी, बड़ी हो जाए। बड़ा कंफर्टेबल पैंट है जिसको मैं पहने हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करूंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, और हाँ पेड़े भी बनाए थे, क्योंकि थोड़ा सा जो लौकी थी ना वो इतनी ज्यादा थोड़ी सी बची थी, क्योंकि एकदम छोटी छोटी, मतलब छोटी छोटी एकदम ताजी वाली जो होती है वो लौकी थी, तो पक्के वो बहुत थोड़ी सी हो गई थी, तो उसमें खोया कम पड़ा, जो बच गया तो उससे मैंने पेड़े बना लिए थे। अभी वो ऐसे ही रखे, अगर वो सेट हो गए अच्छे हो बन गए तो फिर मैं आगे से आप लोगों को पेड़े की रेसिपी जरूर दूंगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मुझसे अच्छे बनते नहीं है, बना कई बार चुकी हूँ, बट जैसे पेड़े ना एकदम अलग हो जाते हैं, सूखे सूखे वैसे नहीं बन पाते हैं मुझसे, तो ट्राई किए हैं। तो बस उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर नैतिक लोगों ने कौन सी रेसिपी इन्वेंट की है, कौन सी नई तरह की सैंडविच ट्राई की है वो देखना है, तो उसके लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दीजिए लाइक, अच्छी लगे तो कर दीजिए शेयर। फिर मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।